मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट्स ऑफ इंटरनेशनल स्कूल। आज आपकी क्लास 6A सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, ये पर पढ़ रहे थे। साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसका पार्ट 2 ऊपर पढ़ेंगे आज। देखिए, मैंने आपको पिछली जो क्लास थी उसमें कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में बताया था, बॉक्स ऑफ न्यूट्रिशंस क्या होते हैं वो बताया था, ठीक है। पहला पार्ट में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसके सोर्सेस क्या होते हैं और इसका हमारे वसा होती है हमारे बॉडी के अंदर, जो वसा होती है वो किस फॉर्म में होती है, फैट्स के रूप में होती है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ मोर एनर्जी, फैट्स जो होते हैं वो क्या होता है, सोर्सेज होते हैं मोर एनर्जी के, मतलब इसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है किसके कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। इस वजह से अगर आप ज्यादा मात्रा में अगर फैट भी लेते हैं तो बॉडी में क्या हो जाती है, ओबेसिटी यानी मोटापा हो सकता है, ठीक है। एक्स एज ए फ्यूल इन आवर बॉडी, ठीक है, ये हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह काम करते हैं, यानी ईंधन के रूप में काम करती है, क्योंकि बॉडी को मेन फ्यूल क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है और वो इससे ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में भी ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है फैट से, ठीक है। तो इसकी जो अमाउंट होती है वो हमें कितनी इंटेक करनी चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर कितनी जरूरत होती है इसकी, वो डिपेंड करती है हमारे एज के ऊपर। जैसे अगर आप छोटी एज में है तो आपको कम फैट की रिक्वायरमेंट होती है, आप एडल्ट है वर्किंग है तो आपको ज्यादा फैट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके साथ ही डिपेंड करती है आपकी फिजिकल लेबर पर, फिजिकल लेबर का मतलब ये होगा अगर कोई जैसे किसान है, ठीक है, फार्मर है, वो किसान खेती कर रहा है, खेत के अंदर ज्यादा मेहनत कर रहा है, या कोई लेबर है मजदूर है वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो उसको ज्यादा फैट की आवश्यकता होगी कंपैरेटिव उस पर्सन से जो प्रोफेशनल है या ऑफिस में बैठ के काम करता है, ठीक है। तो एक इस प्रकार से भी अपन फैक्टर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसकी रिक्वायरमेंट को। फिर इसके अगर अपन एग्जांपल देखते हैं तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है फैट का वो होता है बटर, मक्खन, ठीक है। ये होता है गाय भैंस वगैरह जो आप घी खाते हैं वो फैट का अच्छा सोर्स होता है। ग्राउंडनट ऑयल जो होता है, तेल भी होता है, वो भी फैट के आपके क्या होते हैं, अच्छे सोर्सेज होते हैं, ठीक है। ग्राउंडनट ऑयल में आपके क्या आता है, मूंगफली का तेल आता है, ठीक है। सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन का जो तेल आता है वो है, मस्टर्ड ऑयल आता है, ठीक है, सरसों का तेल है, ठीक है। तो ज्यादातर जो आप तेल आप खाते हैं खाने के अंदर सब्जी बनाने में वो आपके क्या होते हैं, फैट के सोर्सेज होते हैं, एनर्जी गेनिंग होते हैं, ठीक है। इन सब में जो टाइप ऑफ फैट पाया जाता है वो कौन सा टाइप होता है, विजिबल फैट का, ठीक है। यानी ये फैट आपको दिखती है, यानी आप टच भी करते हैं तो फैट महसूस होती है, चिकनाहट महसूस होती है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में और एग्जाम्पल्स होते हैं वो है आपके मीट, फिश, एग, ठीक है, ये नॉन वेज कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं जिसके अंदर फैट पाए जाते हैं, और जितने भी नट्स होते हैं जैसे वॉलनट है, ग्राउंडनट है, ठीक है, इन नट्स के अंदर जो ड्राई फ्रूट होते हैं इनके अंदर भी क्या होती है, फैट होती है, ठीक है। मगर ये जो फैट होती है वो किस फॉर्म में होती है, इनविजिबल फैट होती है, ये आपको डायरेक्ट पता नहीं चलती है, क्रश करने में या फिर इसमें इंटरेस्टेड फैट अंदर रहती है, ठीक है, ये इनविजिबल फैट में आती है, ठीक है, जो आपको दिखाई नहीं देती है। तीसरे नंबर पे और टाइप ऑफ फैट आती है जिससे आपके चिप्स है या स्नैक्स वगैरह जो खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी फैट होती है, मगर ये जंक फैट होती है, ठीक है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छी नहीं होती है, फैट जो होती है वो एक्युमुलेट होती है और मोटापा बढ़ाती है, ठीक है। उसके बाद में एक एक्सपेरिमेंट है अपने बुक के अंदर, ठीक है, जो आपको ये शो कर रहा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन बटर, ठीक है। मक्खन जो होता है उसके अंदर फैट होती है, ठीक है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे आपने कोई भी पेपर लिया उसमें मक्खन लगाओ तो पेपर कैसे होता है, ग्लॉसी हो जाता है, और आप उसके आर पार, वैसे पेपर क्या होता है ओपेक होता है, आर पार नहीं देख सकते, मगर जब बटर लगता है उसके अंदर तो उसके आर पार देखा जा सकता है, वो ट्रांसल्यूशन जैसा हो जाता है जिससे ये पता चलता है कि इसके अंदर क्या है, फैट है, ठीक है। तो अब इसमें डेली बुक के अंदर जो दिया मैं आपको बताता हूँ उसको, इसमें आपको क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी, देखिए सबसे पहले फूड सैंपल चाहिए आपको कोई भी, ठीक है, फिर पायलट सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन आता है वो चाहिए, टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर चाहिए, ठीक है। पायलट सॉल्यूशन जो है आपको क्या होता है, इसमें मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल्स में क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है, मिश्रण होता है। इसका प्रोसीजर आप इस टेस्ट को कैसे करेंगे, अपन टेक सम पार्ट ऑफ द फूड सैंपल, जिस फूड सैंपल को आपको टेस्ट करना है जिसमें फैट है या नहीं है वो सैंपल अपन लेंगे, एंड वाटर इन टेस्ट ट्यूब और उसमें पानी मिक्स कर देंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस तरह करेंगे सेकंड,
एड इक्वल अमाउंट ऑफ वायलेट सॉल्यूशन, ठीक है, आपको इक्वल अमाउंट में ये वायलेट सॉल्यूशन देना है, ठीक है, जो कि मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्रॉपर्टी मतलब से उसको मिक्स करना है, फिर ऑब्जर्वेशन आपको ये ऑब्जर्व करना है, यू विल ऑब्जर्व दैट द फूड सैंपल टेकन इन द टेस्ट ट्यूब चेंज टू पर्पल और वायलेट कलर, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे जो फूड सैंपल आपने लिया था टेस्ट ट्यूब के अंदर वो पर्पल या वायलेट कलर में, ठीक है, पर्पल कलर जो होता है उसमें बदल जाएगा वायलेट कलर में, ठीक है, अगर ये पर्पल और वायलेट कलर आ रहा है इसका मतलब इस फूड आइटम के अंदर क्या था फैट था, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है इस टेस्ट का, द चेंज इन कलर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड सैंपल, ठीक है, इससे आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है, अब उसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी का क्या होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल होता है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल जो है मतलब कि हमारे जो बॉडी होती है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनका निर्माण करवाता है, ठीक है, तो सेल्स बेसिकली जो है किससे बनते हैं प्रोटीन की मदद से बनते हैं, ठीक है, और फिर डाइजेशन ऑफ जैसे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी डाइजेशन के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स की जरूरत होती है, ठीक है, और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो किसकी मदद से बनते हैं प्रोटीन की मदद से, तो इसका मतलब अगर हमें कार्बोहाइड्रेट को भी अगर डाइजेस्ट करवाना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, प्रोटीन होगा तो एंजाइम्स होंगे और वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रीट करने के लिए, ठीक है, ये आपको डेली नीड में चाहिए होता है क्योंकि इसकी मात्रा जो होती है बॉडी के अंदर बहुत कम होती है, स्टॉक स्टोर फॉर्म में बहुत कम होता है, इससे आपको ये डेली रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, फिर और मसल्स हमारी जो मसल्स होती है, ठीक है, वो हमारी स्किन हेयर नेल्स वगैरह जो होते हैं बॉडी के, ठीक है, वो सारे किसके बने होते हैं आप ऑल मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये सारे प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है, इसके जो सोर्सेज होते हैं उसका कौन कौन आता है मिल्क दूध बेस्ट सोर्स होता है इसका प्रोटीन का, सोयाबीन है, ठीक है, ऑल मसल्स जितनी भी दालें होती है वो सारी प्रोटीन की अच्छी सोर्सेज होती है, ठीक है, एंड अंडा होता है, ठीक है, और फिशेज होती है वो आपकी क्या होती है मछलियाँ वगैरह और मीट, ठीक है, मांस ये आपके क्या होता है प्रोटीन का अच्छे सोर्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद में एक्सेस प्रोटीन, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर एक्सेस प्रोटीन आ जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है उसको फोड़ दिया जाता है ब्रोकन डाउन किया जाता है, ठीक है, और एक्सक्रीटेड एज यूरिया, यूरिया के फॉर्म में इसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है यानी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है अवशिष्ट पदार्थ के रूप में, ठीक है, किस फॉर्म में निकलता है यूरिन के साथ में निकलता है आपके, ठीक है, उसके बाद में आपका एक तो रोल ऑफ फैट्स के अपन पढ़ेंगे उसके अंदर से और एक रोल ऑफ प्रोटीन जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो फैट ये जो अपने फैट की प्रेजेंस थी वो तो मैंने आपको पेपर वाले उसमें डायरेक्ट बता दिया था कि पेपर वाला एक्सपेरिमेंट होता है उससे अपन निकाल सकते हैं, और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था वायलेट कलर का जो सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, उससे भी कन्फर्म हो जाता है कि उसके अंदर क्या है प्रोटीन है, ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले रोल ऑफ फैट इन आवर डाइट, ठीक है, फैट्स का जो रोल होता है डाइट में क्या होता है फैट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट्स जो होती है वो क्या होती है कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स होती है एनर्जी की, ठीक है, यानी संग्रहित सोर्स होती है एनर्जी की, ताकत की, और लिटिल अमाउंट ऑफ फैट्स गिव्स मोर एनर्जी, ठीक है, अगर आप कम मात्रा में फैट लेते हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है, फैट प्रोवाइड्स अस इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड, ठीक है, फैट जो है हमें कोल्ड के अगेंस्ट यानी ठंड जो लगती है उसके अगेंस्ट इंसुलेशन देता है, तो बॉडी में स्किन के नीचे फैट की जो कवरिंग होती है वो आपको क्या रखती है वार्म रखती है, तो आपको इजीली कोल्ड नहीं होने देती है ठंडा नहीं होने देती, ठीक है, ठीक है, कोई भी अगर चोट लग जाती है तो बीच में फैट आ जाती है और ऑर्गन्स को क्या करती है प्रोटेक्ट कर देती है, फिर फैट्स कह रही है एसेंशियल फैटी एसिड्स, इसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं एंड फैट सॉल्युबल विटामिंस, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिंस होते हैं इनसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर, फिर इसका अगला रोल है फैट्स एड फ्लेवर टू द फूड, ये फूड के अंदर फ्लेवर भी देता है, ठीक है, चिकना की वजह से खाने के अंदर टेस्ट आ जाता है, ठीक है, वो भी ये देती है, ठीक है, और इसका जो प्रेजेंस ऑफ फैट का जो इसमें था एक्सपेरिमेंट जो था, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है, स्टार्च का हो गया था, फिर ये कि बटर का है, ठीक है, वैसे तो बटर का वो एक पेपर लिया, ठीक है, उसके ऊपर आपने बटर डाला, ठीक है, उसके बाद में ट्रांसमिशन स्पॉट बन जाता है पेपर के ऊपर और उसमें से लाइट पास होती है, ये इंडिकेट क्या करती है ये
इसके अंदर फैट का एक मतलब मटन जो है इसके अंदर फैट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है रोल ऑफ प्रोटीन्स इन आवर डाइट। ठीक है, हमारी डाइट में जो प्रोटीन का जो रोल होता है वो क्या होता है वो देखिए आप, प्रोटीन फिल न्यूट्रिशियस। ठीक है, प्रोटीन जो है अपनी बॉडी के अंदर नए नए टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज क्या होते हैं, ऊतक होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, टिश्यू बनाते हैं और टिश्यूज जो है मिलकर ऑर्गन फॉर्म करते हैं। तो टिश्यूज जो है या फिर और आप कह सकते हैं कि सेल्स का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, प्रोटीन की वजह से होता है। इसी वजह से इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल या बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, एज हेल्प टू मेंटेन टिश्यू। ठीक है, टिश्यू को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, एज प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। बच्चा छोटा है तो उसकी ग्रोथ जो है वो प्रोटीन स्पेसिफिक होती है, और आप बड़े भी होते हैं तो भी आपकी डेली जैसे ग्रोथ होती है, सेल्स जो डेड होते हैं, नए सेल्स का निर्माण होता है या जो रप्चर सेल हो जाते हैं, ठीक है, बोन आउट, उनको भी ये क्या करता है, रिपेयर करने में मदद करता है। फिर प्रोटीन हेल्प्स इन मेकिंग हार्मोन्स एंड सम विटामिंस। ठीक है, प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स और विटामिन्स बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी इज नॉट फुलफिल्ड। अगर हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट और फैट से फुलफिल नहीं हो रही है तो उस केस में प्रोटीन जो है वो एनर्जी सोर्स के रूप में काम में आता है। प्रोटीन आर यूज्ड फॉर एनर्जी। ठीक है, करेक्ट केस ओनली। प्रोटीन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड में जब आप बच्चे होते हैं, एडोलेसेंस यानी जब आप किशोर अवस्था में होते हैं, प्रेगनेंसी स्टेज यानी जब कोई महिला जो है वो गर्भवती होती है, तब भी उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसको अच्छा खाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो मैंने इसको साथ में बता दिया था दोनों एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, इसमें वही आपने फूड लिया, उसके अंदर आपने वाइटमिन सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिक्सचर जो होता है वो टेस्ट ट्यूब में डालोगे। ठीक है, उसके बाद में अगर पर्पल वाइन कलर आता है तो इसका मतलब उस फूड सैंपल के अंदर प्रोटीन जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये होता है कि हम इसके बाद में ये टेबल दे रखी है, इसमें कुछ फूड आइटम दे रखे हैं, उसमें स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है। ठीक है, जैसे स्लाइस ऑफ पोटैटो है, चीज है, पीनट है, क्रिस्पी राइस है, मैक है, बी है, कोकोनट ऑयल है, स्लाइस ऑफ फूड है, चपाती है, ब्रेड है। ठीक है, इसमें किसमें स्टार्च है, किसमें प्रोटीन है, किसमें फैट है, इसमें एक से ज्यादा है, उसमें यस को करके आपको ये टेबल जो है वो होमवर्क पर फिल करनी है। और ये होमवर्क जो है आपको इसका होमवर्क जो है आपको कॉपी के अंदर करके हार्ड कॉपी उसी स्कूल के अंदर संडे को सबमिट करवानी है। ठीक है, इसके आगे का जो है